गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड बुलकित एंड आई एम परसिंग MBBS इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिवीजन। तो बेसिकली रिवीजन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो आप 2 साल की आपकी जर्नी है उसमें आपको इतने ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, इतने ज़्यादा वास्ट सिलेबस है कि उसको एक टाइम पर रिवाइज करना आसान चीज़ नहीं है, मतलब एक टाइम पर मेमोराइज नहीं कर पाओगे आप। तो उसके लिए रिवीजन हेल्पफुल होता है कि आपको सारे कंसेप्ट तो याद हो जाते हैं एंड जो थ्योरी की चीज़ें वो भी आपके माइंड में सेट रहे, इसलिए रिवीजन ज़रूरी होता है। अब देखो दिसंबर आ गया है, 5 मई का आपका नीट है, जनवरी फरवरी तक आप अपने स्मूथली सिलेबस और रिवीजन कंप्लीट रखो, उसके बाद अपने टेस्ट दो आराम से, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट दो। उसके बाद है कि रिवीजन करना कैसे, देख जो मेरी अकॉर्डिंग जो है ना कि जो मैं अपने रिवीजन क्यों नहीं कर पाता था, उसका मेन रीज़न था कि रिवीजन को मैं अपनी सेकेंड प्रायोरिटी देखता था। देख सबके रिवीजन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप अपना बताओ कि आप रिवीजन क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है कमेंट करो अभी लिखो, अब पॉज करो वीडियो को, हाँ पॉज कर लो यार और अभी लिखो कमेंट सेक्शन में कि आपकी रिवीजन क्यों नहीं हो पा रही। तो देखो मैं क्या जो सोचता था ना, रिवीजन सेकंड प्रायोरिटी मानते बच्चे, जैसे आपने एक दिन का टारगेट सेट किया कि आज मैंने ये पढ़ना, आज मैंने ये पढ़ना, आज मैंने ये पढ़ना है, उसके बाद अगर टाइम बच गया तो मैं करूँगा रिवीजन, जो कि सबसे गलत है। रिवीजन में मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, आप रिवीजन को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हो ये गलत है। क्योंकि देखो क्लास वर्क मान लो आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि एक आदमी जो मोटिवेटेड होता है ना तो उसे एक सलाह दी जाती है कि जो बैकलॉग है ना उसे आप करो क्लियर, और जो अब चल रहा है ना क्लास में उसे आप लगते करते रहो, मतलब उसमें उसको आप बैकलॉग मत होने दो। उस तो वो आदमी क्या करेगा ना, अपना क्लास वर्क का काम पहले करेगा, है ना, क्योंकि उसके पास दिमाग में बर्डन है कि हाँ बैकलॉग नहीं होने देना, इसलिए क्लास वर्क का काम पहले करना है। अब मान लो उसको 5 से 6 घंटे लग गए अपना क्लास वर्क का काम करने में, तो एक ह्यूमन माइंड क्या कहता है कि यार बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ते हैं चलो, तो आदमी का रिवीजन तो छूट गया, कैंसिल हो गया रिवीजन उस दिन का, अब रिवीजन बैकलॉग बन गया। इसलिए क्यों होता है, क्योंकि हम रिवीजन को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं कि पहले क्लास वर्क है, अगर टाइम बचा तो मैं रिवीजन कर लूँगा। इंसान के पास टाइम कभी नहीं होता, 5 घंटे आप मांगोगे अपने आप से तो आपको 5 घंटे ही मिलेंगे, आप अपने दिमाग में चल रहे यार क्लास वर्क तो होएगा, रिवीजन तो कोई नहीं पढ़ रखा है बाद में कर लेंगे, ये सबसे गलत है। आप सोना छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ दो, रिवीजन मत छोड़ो, तभी मैं कहता हूँ कि आप रिवीजन पहले करो, क्योंकि आपके पास क्लास वर्क का बर्डन, अगर आप सीरियस हो अपनी स्टडीज़ के लेके तो आपको ये दिमाग में रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में कि क्लास वर्क होना बहुत ज़रूरी है, उसको आप मिस नहीं कर सकते। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि क्लास वर्क तो होता ही रहेगा, साथ में रिवीजन कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है, रिवीजन करना कैसे है। देख आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो सेल्फ स्टडी जो करनी है ना वो आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे करनी पड़ेगी। आप लेक्चर देखो दिन के 12 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हो यार, बोट हो तो 12 घंटे, 6 घंटे की लेक्चर देख लो, 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो बस। तो आप 6 घंटे की सेल्फ स्टडी को आप कैसे डिवाइड करो, 2 से 3 घंटे रिविज़न में और 2 से 3 घंटे क्लास वर्क हो गए, DPP सोल्व करनी है उसकी, इन सब में। अब देख 3 तरीके हो सकते हैं अगर 2 से 3 घंटे रिवीजन करने को, उसमें पहला है कि आप जो क्लास में करवाया है CW जो है उसका एक्टिव रिकॉल करो, मतलब जो किया है मैंने, आप फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन कर लो, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लो। अब देख एक हाँ इस, क्योंकि देख इसमें एक बहुत वो होता है कि आप मान लें आपने दो लेक्चर पढ़े तो उसका अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे उसकी। मैं कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ा रहे हैं जो डेली करा रहे हैं उसको आप डेली रिवाइज करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो उसके क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो उसको आप पूरे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा ना आपको, तो उसके लिए एक बहुत सही है कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच का ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको सारे चैप्टर गिवन मिल जाएंगे, ओल्ड और न्यू एंड सेट के बीच में बायोफिकेशन गिवन है, हर चैप्टर में पेज वाइज फिल्टर लगा रखा है कि आप जिस पेज के क्वेश्चन करना चाहो उस पेज के क्वेश्चन कर सकते हो, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या गलती की आपने, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है, वीडियो एक्सप्लेनेशन गिवन है, स्टेप्स गिवन है, क्वेश्चन गलत हुआ तो आप बुक मार्क कर सकते हो। इस बैच का जो फेवरेट फीचर है मेरा वो है PYQ मार्क एनसीईआरटी, पहले सिर्फ बायो के लिए थी अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए हो गई। बायो मान लो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, तो आपको जो PYQs है वो आपको हाईलाइट किए हुए दिख जाएंगे, जो PYQ है वो सब कुछ हाईलाइट गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन है AIPMT 2013 का ही अटेम्प्ट किया मैंने, क्वेश्चन गलत हुआ इसकी बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गई। दूसरी हाईलाइट क्वेश्चन देख लो, नीट 2015 का क्वेश्चन है गलत हुआ, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गई।
हर चैप्टर में फिजिक्स का देख लो आप, फिजिक्स में कोई भी आप चैप्टर करोगे, लॉज ऑफ मोशन कर रहा हूँ मैं, थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो जो मेन क्वेश्चन आ रखे वो आप इधर से कर लो, पी वाई को जो आ रखे वो नीट टू अदर से रीजन आने लगे। अब नीट 2022 का क्वेश्चन नहीं है, अदर सीजन है, 22 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखो आपको डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन गिवन है, स्टेप गिवन है, हिंट गिवन है, सब कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में। ऐसे ही आप और देखोगे नीचे जाओगे तो आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको पहले ही प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे, उनको अटेम्प्ट करके देखो नीट 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। तो देख रहे हो थ्योरी से आजकल कितने क्वेश्चन आने लग गए, उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन गिवन है, सब कुछ गिवन है इसमें। जिन बच्चों ने पहले से अभ्यास व्यास ले रखा था उनको तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही जाएगा। दूसरा है चैप्टर कंप्लीट हो जाता आपका। अब देखो आपने डेली रिवीजन कर रहे हो, दूसरा आप चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो रहा हो ना उस दिन आप चैप्टर कंप्लीट होने की मान लो आपने एक वीक में और संडे फिक्स कर लो कि हर संडे को मैं उस वीक में जितने भी चैप्टर हुए ना कंप्लीट उन सब का रिवीजन करूंगा। देख अब क्या है ना डेली बेसिस पे आप रिवीजन करते जा रहे हो। दूसरा अब देख इसमें 30 से 35 मिनट लगी, इसमें कितना हो जाएगा, एक दिन फिक्स कर लिया आपने संडे, ये और दिन से कोई लेना देना नहीं है। 2 से 3 घंटे हैं हमारे पास डेली रिवीजन के, उसमें से 30 से 35 मिनट आपने इसको दे दी, बच गए आपके 2 घंटे मान लो, 1.5 घंटे मान लो। इसमें आप क्या करोगे ना, इसमें आपको करना है 1-3-5-7 रूल। 1-3-5-7 रूल क्या है, आप मैंने कुछ चैप्टर पढ़ा आज ठीक है, उसको आप थर्ड डे दोबारा पढ़ो, फिफ्थ डे दोबारा पढ़ो, सेवन्थ डे दोबारा पढ़ो, फिर 7 के बाद 14 और उसके बाद 21। आप पहले दिन पढ़ोगे उसमें लगे 2 घंटे, दूसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ोगे उसमें लगेंगे आपके 1 घंटा, पाँचवें दिन पढ़ोगे आपको लगेगा 20 मिनट, सातवें दिन 10 मिनट, चौदहवें और 21 दिन जब पढ़ोगे ना ऐसे क्या याद, ऐसे क्या सब कुछ मेमोराइज। ये फायदा है, पूरा सिलेबस टिप्स पे हो जाएगा, पूरा दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा। अब हो गया रिवीजन कैसे करना है। अब इसमें तो देख 2-3 घंटे ये हो गया कि 3 तरीके आपके पास। अब कि देख क्या बोलते हैं ना कि अभी बोलेंगे हो नहीं पाएगा कैसे करे, अब 12 घंटे आप पढ़ नहीं रहे। देख यार देख मोटिवेशनल वीडियो, देख मोटिवेशन कहाँ से लेके आओ यार, मतलब मोटिवेशन आपके अंदर खुद है यार। देखो 12 घंटे पढ़ने हैं, सीट किसको चाहिए ये बताओ, सीट मुझे चाहिए आपको चाहिए, आपको चाहिए ना, तो मेहनत कौन करेगा, मैं करूँगा या आप, सिंपल मेहनत आपको करनी पड़ेगी यार। देख इतने ज़्यादा स्ट्रगल के दिन नहीं बचे, 4-5 महीने बचे हैं, अच्छे से मेहनत करो निकल जाओगे, रिविज़न पर ध्यान दो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर है कि रिवीजन मेथड्स। हाँ अब देख बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स से पढ़ते हैं। देख जो मैं सजेस्ट करता हूँ ना, शॉर्ट नोट्स आप कभी वैसे मत बनाओ, जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो ना उसके लिए आप कभी अपना टाइम मत दो, टाइम उसके लिए ख़राब मत करो। आप क्या करो रिवीजन करने बैठो, जब खुद के जो लॉन्ग नोट्स आप बनाते हो क्लास में उससे पढ़ो, पहली बार पढ़ रहे हो ठीक है, तीसरी बार जब पढ़ोगे ना 1-3-5-7 याद है ना, तीसरी बार जब पढ़ोगे तब आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लगेगा 1-3-5-7। आप इतना रिवीजन कर लोगे ना कि आप अपने लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अगर बनाना चाहो तो आप जब बहुत बार रिवीजन होने उसके बाद बनाना, उसका फ़ायदा क्या होता है ना आपको ये पता चल जाएगा मैं कौन सी चीज़ भूलता हूँ कौन सी चीज़ याद होती है। शॉर्ट नोट्स किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप गलतियाँ ना करो। गलतियाँ कौन सी होती है, अगर आप देख लॉन्ग नोट्स को आप रिवाइज करोगे ना तो सारी चीज़ आप क्रिस्प करके लिख सकते हो। आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लोगे, टाइम खराब पहली चीज़, दूसरी चीज़ उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप खुद पूरे चैप्टर को पढ़ के पूरे लॉन्ग नोट्स को पढ़ के उसको कंसाइज वे में आपको दिमाग खुद कंसाइज कर लेगा। आप देख एक पैराग्राफ पढ़ोगे, आप बुक में से एक पैराग्राफ पढ़ो, दिमाग में सोचो एंड फिर उसको एक फ्लो चार्ट में बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या आप शॉर्ट नोट्स आप जस्ट मेन मेन हाँ ये चीज़ हाईलाइट कर ली, ये चीज़ हाईलाइट कर ली, इसको मैं लिख देता हूँ, ये नहीं होता। आप अपने लॉन्ग नोट से पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स से आप फर्दर रिवीजन करो। जो आप 1-3-5-7 रूल 14-21 1-3-5 आप कर लो लॉन्ग नोट से, शॉर्ट नोट से कर लो 7-14-21 सिंपल। अब शॉर्ट नोट्स के हाँ ये तो हो गया, जो शॉर्ट नोट्स के लिए कभी अलग से बहुत हाईलाइट करना चाहिए पॉइंट, कभी अलग से टाइम नहीं देना, जस्ट अ रिवीजन टाइम का आप देख एक हाँ ये भी करता था मैं, ये अच्छा पॉइंट है कि जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं अपने आप को रिवीजन करता रहता था तो कैसे करता था मैं रिवीजन, देखो मैं करता था लास्ट में बताते हैं। अब जब मैं पढ़ता था ना
तो मान लो ये कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं, इसको जो मैं पढ़ रहा हूँ, मान लिया कोई पैराग्राफ लिख रखे बहुत ज़्यादा, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ मैं, ये एनसीईआरटी हमारी बायो की पढ़ ली मैंने। अब मैं क्या करता था, खुद एक पेपर पेन लेता था और मैं टीचर बन जाता था, और किसी भी मतलब दोस्त को तो नहीं, मतलब अपने आप को समझाता था कि हाँ ये ऐसे है, एज अ टीचर बन के पकड़ो तो ये हो जाएगा। अब जो आप ये जो नोट्स बनेंगे ना, भले बहुत गंदे नोट्स बनते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही कुछ लिख रहे हो। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये कैसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ बनता था। तो अब मैं इसको शॉर्ट नोट्स खुद बना लेता, जब मैं लिखता था जब ऐसे शॉर्ट नोट्स बन जाते थे कि मान लो आप पढ़ रहे हो, तो जो भी पॉइंट्स होते थे ना मैं उनको अलग से लिख देता था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो यही मेरे शॉर्ट नोट्स होते थे, मैंने कभी अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए अपना अलग से टाइम वेस्ट नहीं किया था। तो अब मैं भी यही कहता हूँ कि अपना शॉर्ट नोट्स जो पढ़ा रहे हो ना खुद को, तभी बना लो ताकि आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़े उसमें, ठीक है। दूसरा है कि शॉर्टलाइजिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स इसका मतलब क्या है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आपने एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए, लेकिन आप टेस्ट बार बार देते रहोगे, आगे भी दोगे फ्यूचर में, तो उसमें क्या करो ना, जो जो गलतियाँ टेस्ट में हो रही है उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाओ। ऐसे नहीं ये शॉर्ट नोट बना लिए यही इनफ है, जो आप फ्यूचर में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, जो आपको लगता है ये मेरे एग्ज़ाम में आ रहा है, उसको उसी में ऐड करते रहो। एक डाटाबेस रख लो, एक नोटबुक रख लो, शॉर्ट नोट्स भी, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लो, ताकि रिविज़न करो आप तो वो सिर्फ एक नोटबुक पढ़ी, सिलेबस ख़त्म, ये करो। अपडेट शॉर्ट नोट्स, जो मैंने बता दिया कि आप शॉर्ट नोट्स को अपडेट करते रहो, और हाई देख शॉर्ट लिस्टिंग वाला था कि हाईलाइट ऑन फर्दर रिविजन्स। आप एक बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा 1, 3, 5, 7, अब आप देखो कि आपको 1 में जो याद था वो 3 में याद है या नहीं है, 3 में जो याद था वो 5 में याद है या नहीं है। आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कौन सी चीज़ आप भूल रहे हो एंड कौन सी चीज़ आपको याद रह रही है। जो चीज़ आप भूल रहे हो ना उसको आप अलग से हाईलाइट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसमें हाईलाइटर से वो अलग से हाईलाइट कर लो, ताकि जब भी आप फर्दर रिविजन करो उसको आपको मेमोराइज रहे कि हाँ ये चीज़ मैं भूलता था। एक्टिव रिकॉल, जब भी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो या फिर आपने पढ़े है, वही है कि मतलब दिन में डेली जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना सीखो। आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने एक पेज पढ़ा, आंखें बंद करो, आप देखते पढ़ रहे हो 15-20 मिनट में आपको एक पेज पढ़ा, आंखें बंद करो, आपके दिमाग में सोचो और वही चीज़ रिपीट करो, ये होता है एक्टिव रिकॉल, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप जो भी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा काम करते हैं ये। प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, ये सबको पता होता है यार, इसमें क्या बताना है। और जो एक कमेंट सेक्शन में मैंने पूछा था कि जो आपको गलती है उसमें क्या था, कि मेन जो क्वेश्चन मुझे लगा जो जिसकी नीड भी है, रिविज़न करते वक्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर थ्योरी। बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि जो रिविज़न कर रहे हैं हम उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या थ्योरी। तो जो मैंने किया था ना, मैं दोनों किया था, मैं सबसे पहले करता था थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि थ्योरी अगर सही है, क्योंकि आजकल देखो आप नीट का पैटर्न देखोगे तो बेसिकली थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करने लग गए क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा। तो आप नीट पे हिसाब से आप, मैं थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग करता था। फिजिक्स है, फिजिक्स में तो क्या है, फॉर्मूले वगैरह वो पता होने चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चन कर लो। लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थ्योरी पे काफ़ी चीज़ें वर्क करती है, तो आप थ्योरी पढ़ो उसके लिए ज़्यादा, थ्योरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो। आप फर्दर 1, 3, 5, 7 आप देखो 7 तक जाओगे, 5 तक जाओगे, आपकी थ्योरी तो मोस्ट ऑफ चीज़ याद होती ही रहेंगी। आप 5 और 7 के बाद क्या हो करो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। देख हो गया, यही था यार वीडियो में, बट जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ ना वो है कि यार ज़्यादा देख हार्ड है, हार्ड तो है, मानना पड़ेगा, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि यार कोई कर नहीं सकता, ठीक है यार। मतलब वर्थ इट होता है ये लास्ट में, जब आप सब कुछ करके जब खुद का वो बनोगे ना, डॉक्टर बनोगे, वर्थ इट लगेगा यार। मेहनत तो हर कोई करता है, इतने बच्चे हैं सेलेक्ट होने वाले, आप भी कर सकते हो। तो रिविज़न वाली वीडियो में बेसिकली यही था, एंड नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता देना किस पे होनी चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो यार, कोई भी दिक्कत हो। हाँ एक और बात थी कि देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मतलब चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, जैसे day 1, day 2, day 3। तो उसमें क्या लगा ना मेरे को, देख पहले day 1 में मैंने अब तक याद है शायद 214 कमेंट थे, day 2 में 130, day 3, day 4 अब 40-50। तो यार वो बता रहा हूँ ना, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करो। ये नहीं देख मैं किसका फ़ायदा करना चाह रहा हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं, तुम्हारा ही हो रहा है, तुम अपना रेगुलर हो जाओगे। तो वो ये बेसिकली ये रिकॉल था कि यार कर रहे हो ना तो अच्छे से कर लो, 4-5 महीने यार मोटिवेशन, फालतू की मोटिवेशनल वीडियो देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है देखोगे। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, ये इंडिया है, एक दिन आग लगेगी, 3-4 दिन बाद बुझ जाएगी।
बुझ गई आग। 214 से आप 30-40 कमेंट आते हैं बस कि मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा। तो पढ़ लो यार, तुम्हारा फायदा है, मैं कुछ अपना कुछ नहीं लेने जाने वाला। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।